क्वेश्चन ये है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है और उस पर चार डेंसिटी वेरिएबल है, तो सेंटर ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर जो चार डेंसिटी है लैम्डा, वो लैम्डा नॉट इनटू मोड ऑफ साइन थीटा के इक्वल है, वेयर थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल। तो पहले मोड ऑफ साइन थीटा का जो ग्राफ है उसको समझते हैं। दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज थीटा, ठीक है। साइन थीटा का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है और इस तरफ ऐसे होता है, ठीक है। और जो मोड ऑफ साइन थीटा का ग्राफ है उसमें क्या होता है, जो नेगेटिव पोर्शन है वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर हम मोड ऑफ साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा ऐसे, यहाँ भी नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अपन देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू जीरो के अबाउट मॉड ऑफ साइन थीटा का जो ग्राफ है वो बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है। मतलब ये कि थीटा की वैल्यू प्लस में हो या माइनस में, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है उस केस में मॉड ऑफ साइन थीटा सेम होगा, ठीक है। मतलब ये हो गया कि हम थीटा को इस तरफ लें या इस तरफ लें, दोनों ही केस में ये जो पॉइंट होगा वहाँ पर चार डेंसिटी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक साथ दो एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि इस तरफ थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लेते हैं और साथ में इस तरफ भी थीटा पर जाकर डी थीटा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। ये थीटा हो गया और दिस एंगल इज डी थीटा, और ये जो लेंथ है ये हो जाएगा आर इंटू डी थीटा। इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्वल है, इधर भी थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ अगेन आर डी थीटा के इक्वल है। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू सेम होगी। मतलब दोनों जगह जो स्मॉल डी क्यू चार्ज है वो सेम होगा और वो हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ दैट इज आर डी थीटा। अगेन यहाँ पर थीटा जब पॉजिटिव होगा, मतलब थीटा जब जीरो और पाई बाई टू के बीच होगा उस केस में साइन थीटा पॉजिटिव होगा और मोड ऑफ साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज लैम्डा नॉट इनटू मोड ऑफ साइन थीटा, ये हो जाएगा ओनली साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ठीक है। अगेन ये जो है वो स्मॉल डी क्यू चार्ज है और ये भी स्मॉल डी क्यू चार्ज है। इस स्मॉल डी क्यू चार्ज की वजह से सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, दिस इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। अगेन यहाँ भी सेम चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो
डी ई के इक्वल होगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये दोनों एंगल थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों डी ई डैश है, ठीक है, और दोनों का जो रियल्टेंट है वो क्लियर है, वो नेगेटिव वाई के लॉन्ग होगा, लेट दिस इज डी ई, ठीक है, क्योंकि दोनों डी ई डैश का जो एक्स कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा, और जो वाई कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव डी ई इक्वल टू डी ई डैश कॉस थीटा प्लस डी ई डैश कॉस थीटा, सो दिस विल बी टू डी ई डैश कॉस थीटा इक्वल टू डी ई डैश की वैल्यू हम पुट करते हैं, डी ई डैश इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डी क्यू, ये हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, सो दिस इज टू कॉस थीटा इंटू डी ई डैश, दैट इज के बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, एंड डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू आर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो वी हैव ई इक्वल टू, तो यहाँ पर ए आर कैंसिल हो जाएगा और 2 के लैम्डा नॉट बाई आर कॉमन है, क्या करते हैं कि के लैम्डा नॉट बाई आर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अगेन यहाँ पर हमने दो पॉइंट चार्ज को एक साथ कंसीडर किया है, तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो थीटा है वो ज़ीरो से लेकर पाई बाई टू तक जाएगा, ठीक है, ज़ीरो से लेकर पाई बाई टू तक जाएगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट बाई आर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, सो दिस इंप्लाई दैट ई इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट बाई टू आर, अगेन माइनस को हटा के लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, सो दिस विल बी कॉस टू थीटा, लिमिट हो जाएगा पाई बाई टू से ज़ीरो, दिस इज के लैम्डा नॉट बाई टू आर इंटू कॉस ज़ीरो हो गया वन, एंड कॉस पाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये हो जाएगा वन माइनस माइनस वन, ठीक है, दैट इज टू, सो दिस इंप्लाई दैट ई इज इक्वल टू 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 कैंसिल, दिस इज के लैम्डा नॉट बाई आर, ठीक है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये हो जाएगा वेक्टर ई इज इक्वल टू के लैम्डा नॉट बाई आर, मैग्नीट्यूड हो गया, और जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव वाई के लॉन्ग है, सो दिस विल बी माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक है,
वेयर के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।